बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब अहमानों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब खैर खरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी हम भी खैर खरियत से हैं। अल्लाह पाक सब अहमानों को हमेशा खुश रखे, शाद आबाद रखे और ढेरों खुशियाँ दे। इसी के साथ करते हैं जी आज की वीडियो शुरू। आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल है क्योंकि सर्दियों का मौसम आ चुका है। कुछ इतनी ज़्यादा भी सर्दी नहीं है लेकिन मेहमान के पापा को मोरों का मतलब बन गया है। इस उसके लिए ना पनीरी लाजमी है, बच्चों के लिए भी, उसके लिए भी, क्योंकि जब काम करना हो अगर इंसान की तबीयत ठीक ना रहे ना कोई काम इंसान कमा नहीं सकता। फिर इस तरह नहीं बेटा पकड़ो इसे, वो पीछे वाली को दीदी है आगे करो इधर। अभी लगी हूँ उनके लिए पंजीरी बनाने, बच्चों के लिए भी सबसे ज्यादा कहते हैं ना बच्चों का पाज और मेहमा के पापा का राज इसी तरह ही है ना। वो सिस्टर हमारी देख रही होगी हमारी वीडियो तो वो जरूर कहेगी क्योंकि सर्दियाँ आ गई हैं, अब पंजीरी बार बार बनेगी। तो इंशाल्लाह जी अल्लाह पाक सबको सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी जिंदगी दे। गोल कुछ कुछ पीस के ना इस तरह बनानी है, समीर बेटा इस तरह रख के ना ये पूरा अपने नीचे करो इधर, आप इस तरह करके ना इसके ऊपर इस तरह करके आस्ता आस्ता तो अभी बड़ा पतीला मैंने इधर रखा हुआ है, इसके ऊपर मट्टी का ले लगा चुकी हूँ लेकिन कुछ पिघल गया कुछ है अभी। चलो जी रखती हूँ इसे भी और फेरी वाला भाई आया था, फेरी वाला भाई उससे लिए हैं जी, मेरा बिना रंग दियो ना देश के ना, उससे लिए हैं खजूरे। आप लोग पकड़ो के बैठो तो जल्दी खा के ना वजू करो। आलस मेरा तुम ही अपना काम जारी रखना होगा, जल्दी करो ये पीस के ना ते दरस चलो तुम थोड़े आने ज्यादा तक मैं बना दी। नहीं खानी क्या पका देखेंगे
रामानी रहमी गोड़ बरीदी पीस लिया है। अभी इस जेस्की में डाल लेती हूँ। मैं कितने बड़ा बड़ा ले आता हूँ, कुछ ज़्यादा ही बड़े ने ये पिघल जाना ना सारा। जब पिघले गर्म पानी थोड़ा जब बेच पानी है ना, कोई कोई ओपन है तो फिर अब जी कैमरा मेरे हाथ में है तो इसमें जी भुने हुए चने, मगज़, बादाम, गिरियाँ हर चीज़ इसमें है। दूसरे शापर में ये दो शापर हैं और ये है सूजी और उधर पड़ी है अभी सौगी, वो घी वो उस डोल में है। तो ये पतीला पड़ा है, अभी सारी ये चीज़ें मैंने अपने पास तैयार कर ली हैं। अभी बनाती हूँ पहले चाशनी, साथ साथ सौगी वगैरह कुछ साफ़ की है, कुछ साफ़ करने वाली ऊपर से अभी ये करती हूँ तो फिर बनानी स्टार्ट करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैंने खुद घर का बिल्कुल खालिस घी, देसी घी बना के रखा, वो ये ऐड करना है। पतीला मैंने ऊपर रख दिया साफ़ सुथरा करके, अभी मैंने कहा पहले गर्म हो जाए बाद में आग जलाती हूँ। और अभी जी मैंने लिए छाननी और ये सूजी जो है ना ये छान लूँगी सारी। कैमरा लगाती हूँ स्टैंड पे, ये सोगी भी किशमिश भी मैंने साफ़ करके रख लिए पानी में भिगो के, इसमें जो मट्टी वगैरह जो भी उतर जाएगी। और अभी जी हाँ सारी चीज़ें रेडी हो चुकी हैं, अब मैं बिस्मिल्लाह करती हूँ, कैमरे पे स्टैंड पे लगाती हूँ और फटाफट बनाती हूँ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम जी, एक दफ़ा
करती हूँ तेज। ऊपर वाली छोटी वगैरह रख ली है, पहले डर गए ये बाद में ऊपर रखूंगी, पहले मैं पूरी वगैरह जो है ये छान ली ये रख लूंगी। शुक्र है जी आग भी जल गई है। थोड़ा सा पानी जो पहले ऊपर रखते हैं सुखा लेती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Thank you.
अच्छी तरह गर्म करूंगी। मम्मी जी और भाई प्याज ने भी आना है, सिस्टर मेरा की तरफ जाना है और मेरा की तरफ, तो पता नहीं जाते जाते उनका मूड तो करना बन गया, क्योंकि मम्मी को लगी हुई थी चोट, तो क्योंकि जो टाइम वगैरह की था ना काफ़ी पानी डालने लगी पिलाने लगी थी जानवरों को, तो भाभी महवेश को और मेरी मुझे मेडिसन लेने के लिए भाई बहुत इधर आए थे, जैसे अम्मी को चोट लग गई थी, तो आज मेरा ख्याल में मेडिसन कुछ लेने जाना, फिर काम है सिस्टर मेरा के पास कुछ अम्मी जी लोग उधर से आना है, तो पता नहीं इधर आते हैं या नहीं आते, उनके पास टाइम हुआ, वैसे तो मिस्त्री भाई अभी लगे हुए हैं, खाने का टाइम पता नहीं बनता है या नहीं बनता, तो जी सूजी की बनाई अच्छी तरह अपने करती हूँ, और ये वाली चीज़ें नकाल के सारी अपने पास मिक्स करके रख लेती हूँ, ये चने तो भुने हुए हैं, तो बाकी फिर चटनी बनानी है, ये मैंने कहा थोड़ा बहुत भी जो शापर में निकाल लूँ, ये हर चीज़ बहुत ज़्यादा महंगी है और पट्ठों के लिए दर्द जिसम की दर्दों के लिए ताकत के लिए काफ़ी ठीक होती है ये सारी चीज़ें, तो अभी जिस बहन भाई का दिल करे ये खाने को हमारे पास आप दिखा सकते हैं, तो अभी ये चीज़ें आगे पीछे करके लाइन में लगा लेती हूँ कि याद ना भूल के, पिछली दफ़ा मुझे याद भूल गया था सौगी डालने का, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम की सूजी की बनाई हो चुकी है, सूजी ने अच्छी तरह घी छोड़ दिया है, आप इसकी आप बनानी है चाशनी, ये पतीला नीचे तो आप रोटी ये वाला पतीला छोटी पतीली ऊपर रखती हूँ, इसमें चाशनी बननी है, गोल छोड़ मैंने डाल दिया है सारा कुछ, तो अभी ये सूजी की बनाई हो चुकी है बिल्कुल,
भी मैं रखती हूँ ये उतार के नीचे, और दूसरी चीज़ें डाल चाशनी बनाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, चाशनी भी हमारी तैयार होने वाली है। सूजी की बुनाई करके मैंने नीचे रख ली है, अभी जो गिर ना जाए। अच्छी चाशनी की बुनाई होती है तो फिर इसमें डाल के सारी चीज़ें डालती हूँ। दूसरी भी सूजी की बुनाई करके मैंने इधर रखी हुई है, लेकिन चाशनी को काफ़ी देर लग रही है इसी से। बच्चे दर से वापस आ गए हैं, अभी गए ट्यूशन के लिए, तो बच्चे कह रहे थे मामा अभी बना नहीं है पंजीरी, तो अभी वापस उनके आते तक बन जाए तो फिर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, चाशनी हमारी तैयार हो चुकी है। अभी ये सूजी में डाल के और ये बेसन का बनाया हुआ चना का ये भी डालती हूँ, साथ में जो मेवे हैं ग्राइंड किए हुए ये भी ऐड करती हूँ। ये धो के मैंने सोगी इधर निकाली, पानी निकाल लिया इसमें से, तो अजान होने शुरू हो गई। कैमरा बंद करते हैं, साथ साथ अजान सुनते हैं और ये मिक्स करते हैं सारी चीज़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, पंजीरी हमारी तैयार हो चुकी है, हर चीज़ मिक्स हो गई है। बाकी अभी ठंडी होने के लिए छोड़ते हैं। ये मिक्स हो गई है अच्छी तरह।